हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, हम आपका मैथ का सेशन लेकर के आए हैं। और छोटा सा कंसेप्ट है एज, इस पे एज का पूरा कंसेप्ट आधारित है। यदि ये आप सीख लिए का मतलब ये है कि आपको आज के बाद एज का क्वेश्चन एग्जाम में बनाने में या कहीं बनाने में कहीं समय नहीं लगेगा और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको पता होगा एक एक नियम। आपको क्या पता है? एक एक नियम, यूनिट मेथड, यूनिटरी मेथड आपको पता होगा। क्वेश्चन यदि आप देख रहे हैं तो आप इसको पहले खुद बना करके जरा देखो, गौर से इसको देखो कि हाँ कितने समय में आप सोल्व कर पाते हो और हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो कितना समय ले पा रहा है। और मात्र 10 सेकेंड मैक्सिमम है, आप ध्यान दो इसको। तो क्या बोला है? ए है, बी है, एक वर्ष पहले का बात बोला है और बोला है क्या कि 4:3 है, 3 वर्ष बाद ये हो जाता है 6:5। तो 9 वर्ष बाद आपसे रेशियो पूछ रहा है। डायरेक्ट ऐसा ही सवाल आता है एग्जाम में, कभी बीच वाला पूछेगा, इधर उधर वाला कहीं पर पूछेगा। एक एक नियम से सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ का रेशियो दिया है और यहाँ का रेशियो दिया है, हम कितना जोड़ करके वहाँ का रेशियो पे जा सकते हैं? तो बोलोगे कि सर 4 जोड़ देंगे। 4 कैसे जोड़ेंगे? तो 1 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद जाना है तो हम कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। एक एक वर्ष जोड़ेंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे और 3 वर्ष और जोड़ेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? 3 वर्ष बाद में चले जाएंगे। अब एक्चुअल में 4 वर्ष हम जोड़ रहे हैं, एक्चुअल में कितना जोड़ रहे हैं? 4 वर्ष जोड़ रहे हैं। तो हमारा रेशियो कितना बढ़ पा रहा है? 2 का। कितना वृद्धि हो रहा है? 2 का। 4 से क्या हो गया? 6। तो अब हमसे 9 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? यहां से हम देखेंगे कि यहां कितना जोड़ना पड़ रहा है, तो 6। यदि अब यहां ध्यान दो, यदि ये 2 बराबर क्या था? 4 था, तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ क्या होगा? 2। मतलब यहाँ हो रहा है हमारा कितना? 6। तो यहाँ कितना होगा? 3। यहाँ कितना हो रहा है? मल्टीप्लाई विथ 3। 6 कितना मल्टीप्लाई इसका? 3 गुना। इसको भी क्या कर दो? 3 से गुना। तो 3 बढ़ेगा तो सीधा सीधा इसमें 3 बढ़ेगा यहाँ से और 3 बढ़ेगा यहाँ से। तो 6 से हो जाएगा 9 और 5 से हो जाएगा 8। और एक लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हो। इसी सवाल को आप बनाते हैं, तरह बनाने का तरीका बहुत सारा है, हम वो भी बताते हैं और इस तरीकों को कैसे एक्चुअल में हर एक क्वेश्चन पे लागू कर सकते हैं हम वो भी बताएंगे। क्वेश्चन और भी हैं तो चलो इसका हम और तरीका बता देते हैं आपको, फिर इसी तरीके को हम एक्सप्लेन करके आपको पूरे अच्छे से बताएंगे और भी क्वेश्चन पे कि और भी अलग अलग एज रहे, समय का एज रहे तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ और अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहो भाई। 1 साल पहले क्या था? तो हम लिखते हैं, यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि 1 वर्ष पहले ए था और बी था, और 1 वर्ष पहले हमारे पास एज क्या था? 4:3। और 3 ईयर बाद क्या था? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 6:5। तो हम बोलते क्या है यहाँ पे, बनाने का तरीका जो था हम लोग का, वो 1 साल से 3 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले से 3 वर्ष बाद जाने में हम 4 जोड़ेंगे। तो हमारे पास ये बोला जाएगा कि ए का आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगा और बी का आयु भी कितना बढ़ेगा? 4 वर्ष बढ़ेगा। तो 4 वर्ष बढ़ा, यहाँ बढ़ा कितना? 2। तो हम लिखते हैं 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष। 1 यूनिट का मान क्या होगा? तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब हमको कभी का आयु निकालना हो तो हम 3 वर्ष बाद का आयु निकाल लें, तो 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना? 12 वर्ष। तो अच्छा, 12 वर्ष तो ये होगा लेकिन कब होगा? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष ये बाद है, ये 3 वर्ष बाद है, ठीक है। और वैसे ही 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास आता है कितना? 10 वर्ष। तो ये भी क्या होगा? 3 वर्ष बाद होगा, लेकिन रेशियो हमसे पूछता जो है वो 9 वर्ष बाद का है। तो 3 वर्ष बाद से 9 वर्ष बाद जाने में, 9 वर्ष बाद जाने में ए और बी का जो एज होगा, तो जो अभी 12 साल का है 3 वर्ष बाद, वो 9 वर्ष बाद क्या होगा? तो 6 जुड़ जाएगा, तो 12 6 हो जाएगा 18, और 10 और 6 हो जाएगा 16। 4 2 से कटेगा 9 और 2 से कटेगा, आंसर आपका आया। लेकिन ये तरीका जो हमारे पास क्या है कि ये तरीका में पहले हमको 9 वर्ष बाद का एज निकालना पड़ रहा है और तब जाके हम क्या कर रहे हैं, उसका रेशियो बता पा रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड,
लेकिन क्या है कि इस तरीके जो हम पिछला बात कर रहे थे उसमें कहीं भी हम इसका जरूरत हमको क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उस पर हम अप्लाई करके देखते हैं हम अपना नया कंसेप्ट। देखो ये कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं और ये पहला बार है जो कि हम आपको बता रहे हैं, और आज के बाद कोई और बताएगा तो मेरे बाद ही बताएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बताने वाले बहुत हैं लेकिन आप सर्च कर लो कि ये तरीका कोई नहीं बताएगा, सीधी बात है। ये क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन पे हम अप्लाई करते हैं। अब देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु 4 अनुपात क्या था, 5 था। तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष, 7 वर्ष पहले, और पहले को हम कहाँ से डिनोट कर लेते हैं, माइनस से। किसका आयु, तो ए का आयु और बी का आयु कितना था, तो 4:5 था। फिर बोला 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद +7 लिख लेते हैं, क्या हो गया, 5:6 क्या हो गया, 6 हो गया। तो कहता है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद, तो कहीं इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 5 वर्ष बाद आएगा, तो +5 हमको यहां का निकालना है। तो अब ध्यान दो सोचना कैसे है, तो हम सोचना कैसे है, हम एक बार में देखेंगे कि -7 का है और +7 का हमको वैल्यू रेशियो में दे करके रखा है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 14 ईयर। अच्छा, यदि हम 14 ईयर देख रहे हैं तो यहां पर कितना बढ़ रहा है, यहां पर कितना बढ़ रहा है, एक, कितना बढ़ रहा है, एक। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि 14 वर्ष का बदले रेशियो में हमारे पास बढ़ रहा है कितना, 1 यूनिट। 14 वर्ष के बदले कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। अब ध्यान दो कि 7 वर्ष पहले से हमको तो इसका रेशियो होना चाहिए, ये वाले का, इस वाले भाग का, माने 5 वर्ष बाद का रेशियो चाहिए। तो 7 वर्ष बाद से 5 वर्ष बाद में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 12 जोड़ना पड़ेगा। तो हम कहेंगे 14 वर्ष जोड़े तब एक जोड़े, लेकिन यदि हम 12 वर्ष ही जोड़े तो कितना जोड़े रेशियो में, तो 12 वर्ष का वैल्यू हमको क्या दिखने लगेगा, तो 1/14 और (12)6/7 क्या दिखेगा, 6/7 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन किसमें, तो इससे इसमें जाने के लिए। तो बस हो गया आंसर, 4+6/7 और रेशियो 5+6/7। आई होप आप इसको सोल्व कर सकते हो जितना जल्दी। तो 4 7 28 और 6 34/7, रेशियो 7 5 35 और 6 41, और /7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 34:41 आएगा। बात समझ में आया, ये आसान है, बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप एक एक नियम फॉलो कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि क्या कहता है, किस, यहां पर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पहले 4:5 था, 7 वर्ष पहले 4:5 क्या था, 5 था, 8 वर्ष बाद 9:5 क्या था, 10 था, 8 वर्ष बाद 9:5 क्या है, 10 है। अब कहता है तो वर्षों में उनके वर्तमान आयु का योग क्या होगा, मतलब ए प्लस बी हमको एट प्रेजेंट में चाहिए, कब का चाहिए, एज प्रेजेंट में चाहिए, कभी और का नहीं चाहिए, कब चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए। तो अब यहां पे हमको ध्यान देना है कि हमको कहाँ का रेशियो चाहिए, प्रेजेंट का रेशियो चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट का रेशियो ही निकाल लेते हैं। तो यहां से यहां तक आने में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो बोलोगे सर 15 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 15 जोड़ना पड़ेगा तो रेशियो में कितना बढ़ रहा है, तो 5 से 10 हो जा रहा है, तो 5 ऐड कर रहे हैं, और 4 से 9 हो जा रहा है तो भी हम 5 ऐड कर रहे हैं, मतलब रेशियो का 5 15 के बराबर है। तो यहां पर कितना ऐड होगा भाई, 7, 7 कितने के बराबर होगा, 7 कितने के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे कितना, तो 4। अच्छा निकाल लेते हैं आपके लिए कि 15 वर्ष हम जोड़े तो 5 यूनिट बढ़ा, एक जोड़ते तो 1/3 बढ़ता, लेकिन 7 जोड़ते तो 7/3 बढ़ता। मतलब यहां जो वैल्यू आने वाला है, एक्चुअल में जो रेशियो प्रेजेंट का आएगा वो क्या आएगा, यहां ध्यान दो,
एक्चुअल में जो आएगा ये वाला वो क्या आएगा, तो 4 + 7/3 और रेशियो 5 + 7/3। अब इसको यहां पर आंसर एक्चुअली प्रेजेंट में निकालना है, तो यहां का फ्रैक्शन काटना मत, क्या करना है काटना नहीं है, काट दिए आंसर फिर आपका गलत आने लगेगा, यहां पर मत काटना। यदि सिर्फ रेशियो पूछे काट करके बता दो, यदि एक्चुअल में एज पूछे या क्या पूछे एज का सम पूछे तो क्या करना है काटना नहीं है, इस बात को हमेशा ख्याल में रखिएगा। तो प्रेजेंट का रेशियो क्या हो गया, तो प्रेजेंट का रेशियो हो गया कितना, 4 × 7 = 12 और 7 = 19/3 और 15 और 7 = 22/3। यदि हमसे रेशियो पूछता तो हम बोल देते कि 19:22 हुआ है, कितना हुआ है 19:22 हम ये बोल देते, लेकिन इसका इस्तेमाल इसको बताने में हम नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल सिर्फ कहाँ करना है रेशियो बताने में। लेकिन अब देखो इस्तेमाल क्या करना है, तो इस्तेमाल अब रेशियो तो हमको पता चल गया कि ये होगा 19/3 और क्या होगा तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 41/3, कितना हो जाएगा सम ही तो बताना है 41/3। तो यहां से अब बताओ यहां पर से कि यहां से यहां तक जब हम बढ़ रहे हैं इससे इसमें तो कितना का वृद्धि हो रहा है, एक्चुअल में तो हम 7 वर्ष बढ़ रहे हैं लेकिन रेशियो बढ़ रहा है 7/3, तो जस्ट हम लिखेंगे कि 7/3 रेशियो का यूनिट में हमारा वृद्धि हो रहा है और वास्तविक में हम 7 वर्ष बढ़ रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 3 और 41/3, चूंकि ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 41/3 रेशियो में यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 41/3 में 3, 3 से 3 कैंसिल, 41 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए थे, तो चलो फर्स्ट नंबर को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कहता है, फर्स्ट नंबर कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का अनुपात क्या था 4:5, तो 5 वर्ष पहले ए और बी था और किस रेशियो में था 4:5 में, अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद यह रेशियो क्या हो जाएगा 6:7। तो कहता क्या है ए और सी का वर्तमान आयु क्या होगा, किसका रेशियो ए और सी का, किसका रेशियो ए और सी का, लेकिन सी तो यहां है ही नहीं, सी यहां नहीं है तो सी है कहाँ, तो कहता है सी बी से 10 वर्ष छोटा है, मतलब कि यदि यहां पर बी -10 रख दे तो ये वैल्यू किसका देगा सी का देगा, क्यों, क्योंकि बी से 10 वर्ष क्या है ये छोटा है। तो अब चलो हम निकालते हैं ए का प्रेजेंट और सी का बी का, बी के प्रेजेंट से 10 वर्ष छोटा, तो अब यहां पर देखो ये यहां से यहां तक जोड़ेंगे कितना जुड़ेगा 10, यहां जोड़ रहे हैं कितना जुड़ रहा है 2, तो अब बताओ कि प्रेजेंट में आने के लिए हमको तो जस्ट यहाँ 5 ही ना जोड़ना पड़ेगा, कि -5 से प्रेजेंट 5 और यहां से फिर 5, तो यहां यदि 10 जोड़ने पर कितना जुड़ रहा है 2, तो 5 जोड़ने पर कितना जुड़ेगा 1, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 5 और 5 × 1 = 6, मतलब ये रेशियो 5:6 और 5:6, तो अब यहां पर से फिर से ध्यान दो क्या, तो यहां पर हम कितना जोड़ रहे हैं वर्ष में 5 वर्ष जुड़ कितना रहा है 1, तो 1 बराबर क्या मिलेगा 1 यूनिट बराबर क्या मिलेगा 1 यूनिट बराबर मिलेगा 5, तो 5 बराबर क्या मिल गया 5 यूनिट का वैल्यू क्या मिल गया हमारा जी 25, और ये हो गया किसका ए का। यदि 6 यूनिट का मान निकाल ले हम, जरा देख लो ध्यान से गिर गया मेरा पेन, 6 यूनिट बराबर निकाल लें तो 6 यूनिट बराबर निकलेगा मेरा 30 और ये हो गया बी का। रेशियो किसका पूछ रहा है तो ए का, तो ए का तो हम रख लिए 25, और सी का पूछ रहा है, ये है कौन सी, लेकिन सी बी से क्या है 10 वर्ष छोटा है और बी कितना निकला 30, तो इससे 10 वर्ष छोटा कितना 20, तो 25 और 5 × 20 हमारा आंसर आया 5:4, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन वहां पे गलत दिया गया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो यदि आपको पूरा एज चैप्टर पढ़ना है तो आप प्लीज हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट डे से हम चाहेंगे तो आपके लिए हम, यदि आपका कमेंट फुलफिल हम कर पाते हैं,
अच्छा लगता है कि आप कितने व्यक्ति हमको कमेंट कर पा रहे हो। तो जितना कमेंट आएगा उसके हिसाब से हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करने का कोशिश करेंगे, और हर दिन वो रेगुलर चलता चला जाएगा। और पूरा एज बिल्कुल आसान है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, कंसेप्ट ये वाला क्लियर हो गया एक बार तो हलवा है जी। तो आज के लिए आपका हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।